हेलो ऑल वेलकम टू माय चैनल सो टुडे वी विल स्टार्ट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट हेयर वी विल डिस्कस थ्री मेन टॉपिक्स फर्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर एंड थर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ या फिर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हीटिंग क्वाइल है हीटर में जो यूज़ होती है वो जो है रेड हॉट क्यों हो जाती है जब हम जो है करंट को पास करते हैं उसमें से और जो जिस वायर में से करंट जो है पास हो रहा होता है वो वायर जो है हमारी रेड हॉट नहीं होती है राइट जैसे कि देखिए ये वायर कनेक्टेड है अगर यहाँ पे हीटर है तो जो हीटर की क्वाइल्स हैं वो जो है रेड हॉट हो जाती हैं बट जो जिस वायर में से जो करंट पास कर रहा है वो जो है रेड हॉट नहीं होती ठीक है या हीटअप नहीं होती तो इसका रीज़न क्या है उसको समझने के लिए जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो आपको पता होना चाहिए अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो हीट जो है प्रोड्यूस होती है अब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट मतलब जितना करंट उस कंडक्टर में से पास कर रहा है उसके स्क्वायर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रजिस्टेंस के मीन्स अगर जो कंडक्टर है या जो वायर है उसका रजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और अगर रजिस्टेंस कम होगा तो हीट जो है कम प्रोड्यूस होगी थर्ड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम मीन्स कितने टाइम के लिए जो है करंट पास कर रहा है तो अगर इन तीनों को हम कंबाइन करें और तो ये हमारा आ जाएगा हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइस क्योर आर टी और अगर इसमें से प्रोपोर्शनलिटी हम हटा दें तो यह आ जाएगा आई स्क्र आर टी ठीक है अब जो हीट है इसकी जो यूनिट है वो है जूल ओके अब जो हीट है इसकी एक और यूनिट होती है कैलरी ठीक है और जो वन कैलरी है वो बराबर होती है फोर पॉइंट टू जूल के तो अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास जो हीट है वो आ जाती है वन अपॉन फोर पॉइंट टू आई आर टी कैलरीज़ ठीक है ये क्या है आपको एक्सप्रेशन दोनों पता होने चाहिए कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी या उसकी वैल्यू कितनी आएगी आई स्क्र आर टी के बराबर जहाँ पे आई करंट है आर रेजिस्टेंस है और टी क्या है टाइम जितने टाइम के लिए जो करंट है वो फ्लो कर रहा है तो अब देखिए मैं आपको इसका कारण uh, बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कॉज क्या है हीटिंग का तो अब देखिए जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर में से देखिए पास कर रहे हैं ठीक है तो अब क्या है वो किसी उनके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है तभी तो क्या है मोशन में है अब जो एटम्स हैं इस मटेरियल के उनके साथ इनका क्या है कोलिजन हो रहा है राइट तो जब इनका कोलिजन एटम के साथ होगा तो क्या होगा जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एटम्स और आयन्स को तो जब एनर्जी एटम्स और आयन को ट्रांसफ़र हो जाएगी तो जो एटम और आयन्स हैं वो अपनी पोजिशन पर जो है फास्ट फास्ट जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अब ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होगा कि उनमें से क्या है हीट जो है प्रोड्यूस होगी मीन्स उनकी जो एनर्जी है उसका लॉस होगा तो जो लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा हीट की फॉर्म में ठीक है तो क्या होगा कि हीट जो है फिर प्रोड्यूस हो जाती है अब बात आती है कि हीटिंग कॉयल जो है हमें रेड हॉट क्यों दिखाई देती है अब देखिए जो हीटिंग क्वाइल है उसका जो मटीरियल है वो उसका क्या है रजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है तो अब देखिए अगर मटेरियल uh, का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ठीक है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो है रेड हॉट हो जाएगी और जबकि जो कंडक्टर की वायर्स होती हैं जो कि कॉपर वायर होती हैं उनका रजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है कंडक्टर का आप सभी को पता है कि रजिस्टेंस कम होता है तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू जो है बहुत कम होती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर अब देखिए जो पावर हमने वर्क के केस में पढ़ी होती है प्लस वन में सेम मीनिंग यहाँ पे भी होता है सिर्फ डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे यह है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं पावर को वहाँ पे हम बोलते हैं कि पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस पावर हमारी वहाँ पे क्या होती है वर्क अपॉन टाइम सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी होता है ठीक है इसमें भी क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर होती है रेट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स इन मेंटेनिंग करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जितना जो वर्क डन किया जाता है सोर्स के द्वारा ठीक है, है उसको क्या बोला जाता है पावर तो पावर हमारी आ गई वर्क अपॉन टाइम ठीक है तो देखिए जो वर्क है वो हमारा होता है आई आर टी क्योंकि देखिए जो हीट है ये क्या है एक तरह से इक्विवेलेंट टू वर्क जो है आ जाएगी क्योंकि देखिए इसकी यूनिट भी क्या है जूल्स में है तो हम क्या लेंगे वर्क की वर्क को आई स्क्र आर टी अब देखिए वर्क हमारा इतना आ गया इसको हमने डिवाइड कर दिया टाइम से अब टाइम से टाइम कैंसिल हो गया तो पावर हमारे पास आ गई आई स्क्र आर अब यहाँ पे बात आती है कि जो आई होता है करंट वो कितना होता है उसकी वैल्यू आती है हमारी वी अपॉन आर ठीक है अब इसको हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे तो पावर हमारी आ जाएगी वी स्क्र अपॉन आर और साथ में अब देखिए जो यहाँ पे आई स्क्र है तो एक आई को हम सॉरी जो हमारा आई आर होता है वो क्या होता है पोटेंशियल के बराबर होता है राइट तो यहाँ से अगर हम आई आर ले लें तो पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाती है आई वी ठीक है तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास पावर के लिए तीन एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि पावर हमारी जो है आई स्क्र आर हो सकती है आई वी के बराबर भी हो सकती है या फिर वी स्वर अपॉन आर के बराबर भी हो सकती है ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपके पास इन तीन मतलब करंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल में से कोई भी दो वैल्यूज दी होंगी तो आप इन में से किसी एक एक्सप्रेशन का यूज़ करके जो पावर है उसकी वैल्यू जो है बता सकते हो ठीक है अब चलिए मेन बात आती है इसकी यूनिट की अब देखिए वर्क अपॉन टाइम किया है तो वर्क की यूनिट होती है जूल टाइम होता है सेकेंड तो एक यूनिट इसकी आ गई जूल सेकेंड जूल पर सेकेंड ठीक है लेकिन इसकी जो मेन यूनिट है उसको हम बोलते हैं वॉट क्या बोलते हैं वॉट तो वन वॉट हमारा आ जाता है वन जूल पर सेकेंड के बराबर ठीक है और इसकी एक पॉपुलर यूनिट है हॉर्स पावर आपने सुना होगा नाम तो जो वन हॉर्स पावर है वो हमारी होती है सेवन फोर्टी सिक्स के ठीक है अब थोड़ा सा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए जैसे कि वन किलो जो है कितने के बराबर होता है वन मेगा वाट वन गीगा वाट तो देखिए किलो का मतलब होता है टेन डिजिट पावर थ्री साथ में लग गया वाट मेगा का मतलब होता है टेन डिज पावर सिक्स वाट और गीगा का मतलब होता है टेन डिजिटू पावर नाइन वॉट ठीक है अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन रिज पावर थ्री जूल पर सेकेंड टेन डिजिट पावर सिक्स जूल पर सेकेंड और टेन रिज पावर नाइन जूल पर सेकेंड ठीक है क्योंकि वन वॉट जो है हमारा वन जूल पर सेकेंड के बराबर होता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी सेम कंसेप्ट है जैसा कि हमने जो है जो एनर्जी के बारे में हमने पहले प्लस में देखा होता है वही मीनिंग होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग अ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है कितना वर्क करना पड़ रहा है टू मेंटेन अ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी आ गई वर्कडन के बराबर तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ई इक्वल्स टू आई स्क्र आर टी ठीक है अब इसकी यूनिट क्या आ गई एनर्जी की यूनिट हमारे पास यहाँ से आ गई जूल जूल आ गई अब अभी अभी हमने पावर के बारे में डिस्कस किया तो वहाँ पे हमें क्या पता चला था कि जो पावर है P वो हमारी आई स्क्र आर के बराबर होती है ठीक है अगर इस चीज़ को हम यहाँ सब्सट्रीट्यूट कर दें तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ई वो हमारी जो है पावर इन टाइम आ जाएगी आ जाएगी ना तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ठीक है उसकी यूनिट क्या आ सकती है एक और पावर की यूनिट होती है वॉट टाइम की यूनिट है सेकंड तो इसकी एक यूनिट आ गई वाट सेकंड या फिर ऐसे वाट सेकेंड एस डब्ल्यू और एस बी आप इसको लिख सकते हो अब देखिए जो घरों में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वहाँ पे बोलते हैं ना कि इतना आपको बिल आया क्योंकि आपने जो है सिक्सटी यूनिट जो है जो बिजली है उसका यूज़ किया है राइट तो वहाँ पे जो वन यूनिट है उसका मतलब क्या होता है या उसकी वैल्यू कितनी होती है तो देखिए जो घरों में वन यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वन बी है, बोर्ड ऑफ ट्रेड ठीक है जो वन यूनिट है वो होती है हमारी वन बी ओ टी वन यूनिट ठीक है और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी वन किलो आवर के मीन्स आपने जो है वन किलो आवर जो है एनर्जी को जो है यूज किया है ठीक है ये मतलब होता है वन यूनिट का और जो वन किलो वाट आवर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए और देखिए किलो का मतलब होता है रेज पावर थ्री ठीक है अब हमने क्या करना है कि इसको हमने ना ऐसा यूनिट जैसे यहाँ पे बताया ना मैंने वाट सेकंड तो इसमें कन्वर्ट करना है तो अब देखिए वाट हमारा वैसे ही रह गया आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए वन आवर में हमारे होते हैं सिक्सटी मिनट्स अब सिक्सटी मिनट में कितने सेकंड होते हैं मतलब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सिक्सटी तो टोटल हमने क्या कर दिया वन आवर को जो है सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया साथ में यूनिट क्या लगेगी यहाँ पर वाट सेकेंड ठीक है तो यहाँ से देखिए सिक्स सिक्सटी इन हमारा आ जाएगा थर्टी इंटू टेन डिज पावर थ्री वाट सेकेंड और अब यहाँ पर अगर हम डेसीमल लगा दें तो ये हमारा आ जाएगा टेन डिज पावर सिक्स वाट सेकेंड ठीक है क्योंकि क्या हुआ कि हमने तीन जो डिजिट्स हैं उनके पहले डेसीमल लगाया तो यहाँ पर पावर जो है तीन ऐड हो जाएगी तो थ्री प्लस थ्री सिक्स आ गया ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो यहाँ से आपको एक तो पता चल गया होगा कि एक तो जो वन यूनिट होती है वो हमारी वन किलो वाट आवर के बराबर होती है और उसको हम वन बी या फिर वन बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं साथ में कि जो एनर्जी है वो हमारी प्रोडक्ट होती है पावर और टाइम का ठीक है आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बना होता है नाइक्रोम का ठीक है निकल क्रोमियम का जो है ये एक एल होता है साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूज वायर है जो कि देखिए मीटर में यूज़ की जाती है वो बनी होती है किस चीज़ की टिन और लेड के एल की टिन प्लस लेड ठीक है अब देखिए जो फ्यूज़ वायर है ना उसका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि अगर स्ट्रोंग करंट कहीं आ गया ठीक है स्ट्रोंग करंट कहीं आ गया तो जो फ्यूज़ वायर है वो जो है मेल्ट हो जाएगी और अगर वो मेल्ट हो गई तो फिर क्या होगा करंट आगे जो है नहीं जाएगा राइट right? वो जो है ब्रेक हो जाएगी तो जो घरों में फिर बाकी अप्लाइंस होंगे वो जो है बच जाएंगे डिस्ट्रॉय होने से ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूज़ वायर है वो बनी होती है टीन लेड के एलोय की जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और अगर कहीं स्ट्रॉन्ग करंट आ गया तो वो जो है मेल्ट हो जाती है और कनेक्शन जो है हमारा ब्रेकआउट हो जाता है कनेक्शन क्या हो गया ब्रेक हो जाता है क्योंकि देखिए अब कनेक्शन ब्रेक हो गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो घरों के जो बाकी अप्लाइंसेज हैं वहाँ तक जो है करंट नहीं पहुँचेगा ठीक है और वो जो अप्लायसेज हैं वो जो है हमारे बच जाएंगे तो अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर हंड्रेड वाट और सिक्सटी वाट दो बल्ब्स हैं एक हंड्रेड वाट का है एक सिक्सटी वाट का है तो इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा ग्लो करेगा ठीक है अब एक की पावर है पी वन है हमारे पास हंड्रेड वॉट और जो पी टू है वो है हमारा सिक्सटी वाट तो देखिए इनमें से क्या होगा कि जो सिक्सटी वाट का बल्ब है वो जो है ज़्यादा ग्लो करेगा ठीक है विल ग्लो ब्राइटर अब मैं इसका आपको रीजन बताती हूँ अब देखिए जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के लेकिन जो पावर है वो हमारी क्या थी आई स्क्स अपॉन आर थी ठीक है मैंने आपको बताया था एक एक्सप्रेशन इसके लिए कि पावर हमारी क्या होती है वीस अपॉन आर भी होती है तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि अगर रजिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा होगी और अगर रजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर कम होगी तो देखिए सिक्सटी वॉट पावर के केस में जो रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हंड्रेड वाट पावर के केस में तो हम हमें पता चला कि जो आर टू है मतलब सिक्सटी वाट की पावर के लिए जो आर टू है वो ग्रेटर देन है आर वन से ठीक है इस केस के रेजिस्टेंस से तो इससे पता चला कि जो हीट है वो डायरेक्टली पोशन हमें आर वन की आई राइट और यहाँ से हीट हमें ग्रेटर देन आ गई सॉरी हीट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गई आर टू के तो हीट जो हमारी सेकेंड uh, केस की होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ठीक है तो यहां से हमें पता चल गया कि कौन सा बल्ब जो है ब्राइटर ग्लो करेगा सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाइड टू कंज्यूमर इन इंडिया तो ये देखिए मैंने ऐसे एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है तो ये हमारी होगी फिफ्टी हर्ट्स ठीक है जो ए घरों में सप्लाई की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है फिफ्टी हर्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल न्यूटन मीटर किलोवाट या फिर किलोवाट आवर विच वन इज़ नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी ये जो है क्वेश्चन तो जो है आया हुआ था प्रीवियस ईयर में भी तो अब देखिए जो एनर्जी है वो क्या है उसकी यूनिट सिमिलर टू तो किसके होती हैं वर्क के ठीक है तो वर्क यूनिट जूल भी होती है न्यूटन मीटर भी होती है ठीक है और जो एनर्जी है उसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी किलो वॉट आवर और जो किलो वॉट है वो यूनिट किसकी थी पावर की तो ये हमारी क्या है यूनिट है पावर की तो इसीलिए हमारे पास जो राइट right आंसर आएगा वो कौन सा होगा किलोवाट जो है हमारी एनर्जी की यूनिट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन किलोवाट आवर हैज़ नंबर ऑफ जूल्स तो इसमें कितने जूल्स आएंगे तो देखिए मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था कि वन किलोवाट आवर को मैंने बताया था थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स वाट सेकेंड के राइट right? तो जो वाट सेकेंड थी वो जो है क्या था वन वॉट सेकेंड जो है हमारा वन जूल के बराबर था तो ये हमारे पास कितना आ गया थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल जो है इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज तो देखिए पोटेंशियल मैंने आपको बताया था ना क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज ये जो है प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है ठीक है वहाँ पे बताया था कि पोटेंशियल uh, होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो वहाँ पे आता है हमारा डन पर यूनिट चार्ज ठीक है और जूल्स मकैनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट रिलेट्स हीट एनर्जी टू तो देखिए जूल्स मकैनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट रिलेट करता है हीट एनर्जी को वर्क से ठीक है तभी तो हमने देखिए जहाँ हम पे वर्क लिया वहाँ पे भी हमने वही एक्सप्रेशन यूज़ किया था कौन सा आई स्क्वेयर आर टी वाला अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हंड्रेड जूल हीट इज़ प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड इन रजिस्टर ऑफ फोर ओहम द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ रजिस्टर बी ठीक है तो हमें पता करना है तो देखिए हमारे पास बताया गया हीट क्या होती है आई स्क्र आर टी हमारे पास हीट है हंड्रेड जूल रजिस्टेंस है फोर ओह टाइम है वन सेकेंड ओके इसको सब्सटीट्यूट कीजिए तो हमारे पास क्या आता है हंड्रेड जूल इक्वल्स टू देखिए आई स्क्र इंटू फोर इंटू वन अब यहाँ से हमारे पास आई स्क्वेयर आ जाता है हंड्रेड अपॉन फोर और जो करंट है आई वो आ जाएगा हमारा देखिए इसका अंडर रूट करेंगे तो टेन बाई टू ठीक है अब इसको भी अगर हम सॉल्व कर दें तो आई आ जाएगा हमारा फाइव एमपीआर के क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ऐसा यूनिट में ही जो है सारी वैल्यूज़ दी गई हैं अब जो पोटेंशियल होता है वी वो क्या होता है हमारा आई इंटू आर राइट तो बस इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए तो क्या आ जाएगा फाइव इंटू फोर विच इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है तो जो हमें पोटेंशियल पूछा गया था वो कितना आ गया हमारा ट्वेंटी वोल्ट के बराबर तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू सो मच